हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कुछ दिनों बाद ये वाला व्लॉग आज बनाने वाला हूं मैं। और ये जो व्लॉग होने वाला है बेसिकली खाने के ऊपर होने वाला है। तो आज जितना भी मैं कुछ लंच में खाने वाला हूं वो आप लोग देखने वाले हैं। तो सोचा मैं आपको भी अपने साथ लेके चलूं और हम लोग करते हैं साथ में लंच। एन ब्लॉक की तलाश थी और एन ब्लॉक लकीली मिल भी गया, जिस गेट से उतरा और एकदम सही गेट निकला। वो सुहाना मौसम देख लो, धूप भी देख लो। एन ब्लॉक, अब मैं ढूंढता हूँ अपना बारबेक्यू वाली प्लेस। कहीं वो बारबेक्यू के साइड में, अभी फ़ोन किया था तो उन्होंने बताया कि बारबेक्यू के साइड में आ जाना। तो अभी मिलता हूँ दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है। मिलता हूँ आगे। मैं तो भूल गया रास्ता, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोर्ड बोर्ड नहीं लगा है। और मैम को कॉल किया है तो मैम बता रही हैं कि ऊपर चढ़ के आना है। मिल तो गया है दोस्तों, ऊपर चढ़ के मिलवाता हूँ सबसे। ये कैसी जगह बारबेक्यू है, तो कोई बोर्ड बोर्ड कुछ भी नहीं, कोई पहली बार आए और गुम ही हो जाए। गुड आफ्टरनून। यहाँ पे खाना शुरू हो चुका है, दावत और हम लेट हैं। बुफे पहले मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा खा लूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगा क्या क्या है। अभी बताता हूँ मैं क्या क्या खा रहा हूँ। ये देखो पनीर टिक्का, ये क्रिस्पी कॉर्न, यहाँ पे चाप है और यहाँ पे पाइन एप्पल भी है। बाकी अभी जो जो आएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब आ गए हैं सुपर 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 क्रिस्पी चिली पटाटो। सीढ़ी से आ रहे हैं, हम भी सीढ़ी से ही आए हैं। यहाँ पे देखो एक और आ गया, पता नहीं कबाब वबाब क्या है। सब कुछ बहुत डिलीशियस है अभी तक, आगे की आगे बात करेंगे। गाइस मोमो ये चाट भी है देख सकते हो दोस्तों। नॉन वेज आ चुका है, प्रॉन्स नीचे रख दो तो गर्म हो जाएंगे। स्नैक्स के बाद बारी है डिनर की, तो यहाँ पर है पनीर और दाल, बिरयानी एंड राइस। दोस्तों हम लोग खाना खा रहे हैं। थोड़ा एक पॉइंट डन हो चुके, दूसरा है। देखो मैंने लिया है चाउमीन, ये मंचूरियन, ये दाल मखनी, शाही पनीर, चाप मैंने खा ली पहले, ये बिरयानी वेज, और ये अभी गार्लिक नान आ रहा है, और ये ड्रिंक भी मैंने अपने लिए मंगवा ली है। ये सब लोग खाते हुए अब खा के मिलते हैं दोस्तों। जिसके लिए आए थे वो चीज हमारी टेबल पे आ चुकी है, ये देखो। सब कुछ भर के, मैं सीधा कर सीधा सब कुछ भर के लाए एक ही प्लेट में।
अंटिल नेक्स्ट टाइम। तो फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं अपने बारबेक्यू से। आप लोग बताइए आपको कैसा लगा, रिव्यूज दीजिए अपने अपने। देखिए था तो ठीक, लेकिन आप इतना खा नहीं पाएंगे। हाँ वो ऑब्वियस ही बात है ना कि आपको हाँ इतना आपको खिलाएंगे तो आप कैसे खा पाओगे। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है, फ्रेंडली है और आपको अच्छे से सर्व करते हैं। आपको कैसा लगा सोनाली मैम, संच आपको कैसा लगा? अच्छा था, आई लाइक फूड बट डेजर्ट्स अच्छे थे। हाँ डेजर्ट तो हाँ डेजर्ट अच्छे। संच ओके था, ओके। आई मीन द अमाउंट ऑफ मनी जो हम पे कर रहे हैं उस हिसाब से वर्थ। हाँ डिस्काउंट 50% स्विगी से और जोमेटो पे मिल रहा है, ले लो। हमने जोमेटो से लिया, मिलते हैं हट जाके। अब थोड़ा है प्लान की थोड़ा राउंड राउंड मान ले, कुछ ज्यादा ही खा लिया है, उसके बाद मिलते हैं दोस्तों कनॉट प्लेस की सड़कों पे घूमते हुए। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं रोड क्रॉस कर ले और यहाँ पे हो गया हो गया हो गया। अभी तो वहाँ पैदल चलान लेकर जाएगा। पैदल कौन सा चलान होता है? डिजाइन तो बड़े प्यारे थे। उसके बाद ऑप्शंस भी नहीं थे। हम लोग पहुंच गए जनपद और यहाँ पे शुरू हो गई है हम लोगों की शॉपिंग। खाता खुल चुका है, एक लॉकेट ले लिया गया है, दो ले लिए गए हैं। एज यूजल मेरे लिए भी आज जनपद पे कुछ नहीं मिला और यहाँ पे फिर से ये लोग शॉपिंग करने शुरू हो गए हैं। ये देखो बैग्स की शॉपिंग चल रही है यहाँ पे। है तो दोस्तों मैं ब्लॉग की एंडिंग करना भूल गया था क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, 8 बजे तक मैं घर पहुँचा था। उसके बाद इतना टायर्ड हो चुका था कि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और बस उसके पहले हम लोग से मार्केट वगैरह घूमे थे और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट घर आ गए थे। अभी फिलहाल सैटरडे नाइट है और मैं जा रहा हूँ गोवा के यहाँ, तो फिर से मेट्रो पकड़ रहा हूँ मैं। और आज का दिन काफ़ी लंबा हो गया है, अभी भी होने वाला है आगे, और देखते हैं और कैसा जाता है सैटरडे नाइट। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, टाटा।